नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है टॉप 20 न्यूज का, तो आइए नगर डालते हैं आज की और इस वक्त की 20 बड़ी खबरों पे। जो आज नाम वापस नहीं लेगा उस पर एक्शन होगा, बागियों को शरद पवार उद्धव का अल्टीमेटम। उत्तराखंड अल्मोड़ा के मारचूला में खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, रेस्क्यू के लिए SDRF टीम रवाना। लखनऊ में SP दफ्तर के बाहर लगा एक और पोस्टर, अखिलेश को बताया गया 2027 का महानायक। मुंबई BJP नेता से बातचीत के बाद निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल शेट्टी ने बोरीवली से वापस लिया नामांकन। केरल, पंजाब और UP में 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा के उपचुनाव 20 नवंबर को होंगे। उत्तराखंड अल्मोड़ा बस हादसे में अब तक 28 यात्रियों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र DGP रश्मि शुक्ला तबादला, कांग्रेस की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने लिया एक्शन। विधानसभा के सामने महिला ने किया आत्मदाह का प्रयास, पुश्तैनी जमीन पर हुआ कब्जा, गाजियाबाद पुलिस नहीं कर रही थी कार्यवाही। बहराइच से लखनऊ आ रही बस का टायर फटा, 54 से अधिक यात्री सवार थे, लोहिया पथ पर हुआ हादसा। मोदी झारखंड में भ्रष्टाचार पर बोले, हेमंत का जिक्र नहीं, JMM राजद कांग्रेस को कहा परिवारवादी। जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले सत्र में हंगामा, PDP ने 370 हटाने के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, CM उमर बोले इसका अभी कोई उद्देश्य नहीं। स्पेन के राजा रानी पर लोगों ने कीचड़ फेंका, PM सांचेस की गाड़ी पर भी हमला, बाढ़ ना रोक पाने से लोग नाराज। लखनऊ एयरपोर्ट पर 97,000 पैकेट सिगरेट पकड़ी गई, बैंकॉक से तस्करी करके ला रहे थे, 3 यात्री हिरासत में लिए गए, कीमत 16 लाख। करंट की चपेट में आने से मिस्त्री की मौत, मकान निर्माण के दौरान हुआ हादसा, हाईटेंशन लाइन से बल्ली में करंट आया। भारतीय विकेटकीपर रिद्धिमान साहा ने संन्यास का किया ऐलान, बोले ये रणजी सीजन मेरा आखिरी। दिल्ली चुनाव से पहले BJP को झटका, आम आदमी पार्टी में शामिल हुए BB त्यागी। बेअंत हत्याकांड के दोषी की दया याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, फैसला ले वरना हम विचार करेंगे। मिथुन चक्रवर्ती की पहली पत्नी हेलेना लुके ने दुनिया को कहा अलविदा। बुलबुलैया 3 ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया। देवरिया का अजीत सिंह उर्फ जड़ी हत्याकांड, पहले सिर में मारी गोली फिर खाली कर दी पूरी मैगजीन, अंतिम संस्कार में उमड़ा हुजूम। फिलहाल के लिए टॉप 20 न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।